press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल, हम सब बढ़िया हैं, सुनाओ अपने हाल चाल। सलाम राम राम सत श्री अकाल, हम बढ़िया, सुनाओ तुम्हारे हाल चाल। तो भाई बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है और वो इसलिए बहुत दिनों बाद हाँ, मेरे भी चैनल पे तो यार तेरे पे तो मेरे से पहले आई होगी ना। चल जो भी है भी, जो हाँ, था तो मतलब जो भी है अभी मतलब फ्री हो गए हैं, पहले बिजी थे, सारी बातों को इग्नोर भाई ठीक है। और फ्री हो चुके हैं, रवि भाई भी फ्री और मैं भी फ्री। रहो भाई कहाँ डाले, कैमरा पड़ जाएगा, मोटरसाइकिल पर आ गया और अदू सर और अदू शाहरुख खान ओके ध्यान ना दिया ठीक है। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करनी है और अनाउंसमेंट ये है कि मैं और रवि भाई इंटरनेशनल राइड पे जा रहे हैं। जा रहे हैं भाई, बाकी ये इंटरनेशनल के नाम पे कुछ नहीं है, इंडियंस के लिए इंटरनेशनल राइड पर जाना होता है, नेपाल भूटान, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सारे डेबू भाई जैसे नहीं होते जो वर्ल्ड टूर मार कर आ जाएंगे बीएमडब्ल्यू पे। बिल्कुल, अपना एक बहुत छोटा सा टूर है, यहाँ से जाएंगे नेपाल, वहाँ से वापस आ जाएंगे बस। तो ये हमारी इंटरनेशनल राइड होगी भाई नेपाल की और ये चीज़ हमने आपको अनाउंस कर दिया ठीक है। और अभी और डिटेल तू देना, 2 जून को निकले। ओके तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं 2 जून को और 2 जून को संडे बताएगा मैं बताऊँ ठीक है। तो भाई हम लोग 2 जून को निकलेंगे और 2 जून को है संडे, तो हम लोग जो फ्लैग ऑफ रखेंगे वो हम रखेंगे दिल्ली में ठीक है। तो दिल्ली से राइड को शुरू करेंगे ऑफिशियली और वो भी शाम के टाइम पे 2 जून को संडे। तो जो भी टाइमिंग डिटेल्स होगी, कहाँ पर फ्लैग ऑफ होगा, जो भी सीन रहेगा वो इसके इंस्टाग्राम पे और मेरे इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा। तो जो आ सके बंदा भाई ज़रूर आना फ्लैग ऑफ पे, हमें सच में यार दिल से अच्छा लगेगा। और भी बंदे आएंगे बहुत कमाल कमाल के, तो आना ज़रूर भाई ठीक है। तो गाइज इंस्टाग्राम हैंडल की जो हमारे डिटेल्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट कर लेना नीचे लिंक में। लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक दोनों के इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ऐसा है क्योंकि जो हम व्लॉग बनाएंगे नेपाल के वो हम साथ के साथ अपलोड नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि पहले तो नेपाल राइड कंप्लीट करके आएंगे, उसके बाद घर आएंगे वहाँ पर एडिटिंग करेंगे, वहाँ से एडिटिंग चालू। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो आपको भाई मतलब स्टोरी कमाना है, पिक्चर्स और गजब गजब। एक और बात भाई देखो ड्रोन शॉट्स भाई रुक जा ड्रोन शॉट इसके आएंगे मेरे नहीं आएंगे तो बस और रुक जा ठीक है। और एक और बात ये बतानी थी भाई कि हाँ ये बंदा कमाल का है और इसके साथ मेरी पहली राइड, अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि माई न्यू राइडिंग पार्टनर वो ये बंदा था, लेकिन हम ये लगा लो पूरे 1 साल बाद हम लोग राइड कर रहे हैं। अबे भाई रुक जा लास्ट हम राखी गढ़ी गए थे जहाँ भी हाँ, वो भी यार सिर्फ जनवरी का टाइम हाँ, था, वो छोटी सी राइड थी, वो छोटी सी राइड थी ठीक है। और ये बताना था कि जैसे मैं लद्दाख गया था, राजस्थान गया था, तो मेरा यार थोड़ा ऐसा मिजाज है कि मेरे साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत होता है मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। और रवि का ऐसा मिजाज है, ये तो पहली बात हंसता रहता है और जब दिक्कत सामने आती है ना ये बंदा और जोर से हंसता है। मतलब इस बंदे के साथ राइड पे बहुत ज़्यादा मजा आएगा भाई, अल्टीमेट मजा। और हाँ राइड कितने दिन की हो जाएगी अपनी, लगभग 15 से 20 दिन के आसपास हमारी। ये क्या है भाई, ओ 20 पागल है यार 20 रुक जाना। तो भाई अप्रोक्स 20 दिन की हमारी राइड होने वाली है, 20 दिन की राइड होने वाली है। और मीटअप करते हुए चलेंगे ना फिर हाँ, बीच में जो जो सिटी जगह जगह मीटअप्स रखते हुए चलेंगे, मतलब स्टोरीज डाल देंगे, जो आएगा मिलने किसी को आना है। बिकॉज देखो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रोहतक से दिल्ली, दिल्ली से आगरा होते हुए लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, फिर वहाँ से हम सोलोनी बॉर्डर, सोनोली बॉर्डर एंटर करेंगे हाँ, वहाँ से पोखरा, पोखरा हाँ, से मुक्तिनाथ मुक्तिनाथ वहाँ से वापस पोखरा, पोखरा से काठमांडू, काठमांडू से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से सिक्किम हाँ, बिल्कुल सिक्किम, सिक्किम में गैंगटॉक ओके हाँ बोल बोल ना यार बोल बोल ओके गैंगटॉक से हम लोग जाएंगे आसपास के जो सिक्किम हम कवर करेंगे और फिर वहाँ से वापस रोहतक तू भादुरगढ़, मैं रोहतक, मतलब मैं भादुरगढ़ ये रोहतक, 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। और भाई और कुछ बताना रह गया, सोचिए बस एक तो यही है, राइड मस्त आएंगे, व्लॉग्स भी मस्त आएंगे, राइड भी गजब की होगी, स्टोरीज भी अच्छी आएंगी। और फाइनली यार प्लान करते करते नेपाल का प्लान लॉक हुआ है, बस इतना बताना था। और जून दो जून को भाई संडे है, सही में यार दिल्ली में हमारा मीटअप होगा, लोकेशन आपको इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाएगी, ज़रूर ज़रूर आना है अगर आप दिल्ली से हैं या आसपास से हैं, ज़रूर आना हाँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, यही आपको अनाउंसमेंट करनी थी,
और वीडियो अच्छे लगे तो भाई लाइक ठोक देना, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक ठोक सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी तरफ से सॉरी यार कि मैं इतनी लेट वीडियोस ला रहा हूँ, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सॉरी कि मैं इतने टाइम बाद वीडियोस डालता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा याचना, बिकॉज मेरे पास लिटरली बहुत कम टाइम होता है इस चीज़ों के लिए। और मैं देखा जाए ना साल में एक टूर मार रहा हूँ आजकल, सिर्फ आजकल नहीं, आजकल नहीं, वो भाई लास्ट ईयर मैंने लद्दाख मारा था तो लगभग अब फिक्स ही हो चुका है। और इस साल नेपाल, बहुत ऑसम कंटेंट। तो बस इतना कहना था, बहुत ज़्यादा हो गया यार, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद, राइड सेफ, बस जय हिंद। और भाई हम एक्सप्रेस से थोड़ा दूर होकर वीडियो बना रहे, कहीं आप सोच रहे हो भाई रोड के बीच में ही खड़े हैं, मैं इसे कह रहा था भाई कहीं एक्साइटमेंट के चक्कर में पीछे पीछे और कुछ काम ना हो जाए। तो भाई बस इतना कहना था, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद। अच्छा और एक और बात है, अभी आप लोग सोच रहे हो कि हम खड़े गए, हम लोग खड़े हैं केएमपी एक्सप्रेस वे पे, और हमारे ठीक मुंह के सामने सूरज है, क्योंकि भाई लाइट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो अभी केएमपी एक्सप्रेस वे पे हैं, ये वीडियो तो बन गई अनाउंसमेंट की, और कल आपको मैं अपने मेरा जो हेलमेट है वो रिवील करूँगा। तो अभी हम हेलमेट के भी सिनेमेटिक शॉट थोड़े यहाँ पे ले लेंगे। तो बस वीडियो में इतना ही था, बन गई वीडियो, तो भाई बस हो भाई हमारे तो दो तीन बाल है, बस कटवा लूँ इसको, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, हाँ कमेंट करके बताना, कमेंट करके जरूर बताना इस खेती को यार और बढ़ाना चाहिए या कटवाना चाहिए। और भाई इसको क्लीन समझ रहे हो ना, क्लीन और क्लीन जो में ऐसा जैसे पांचवी का बच्चा है भाई, लगता है सही, मैंने देखा है, मुझे पता है, मुझे पता है बस। और भाई धूप जाती जा रही है, मेरे को घर जाना है, जा और बस बाय बाय। हेलमेट की वीडियो कल आपको पता चल जाएगी कौन सा मैंने नया हेलमेट लिया है। बस बाय बाय। अरे रंगीला है यार, रंगीला, रंगीला राइड राइड पर, राइड पर इसका जो निकनेम है वो रंगीला, वो है। मैंने रंगीला निकाला है, मैंने निकाला, और इसका मैं सोच के निकालूंगा भाई, सोच लेगा ये, ठीक है, लेकिन मेरा नाम रंगीला रख दे, इसका नाम रंगीला, कोड नेम रंगीला, अब कर दे बंद। और किस लिए रंगीला है वो आपको हेलमेट वाली वीडियो में पता लग जाएगा, वीडियो बंद नहीं कर रहे, ठीक है भाई बंद करते हैं।